Wait. Yes. How are you, sir? ताज, इस फिल्म का नाम है। कितने लोग ताजमहल जा चुके हैं पांडे जी? कितने बार गए हैं पिक्चर देखने? हाँ, ताजमहल देखने। अच्छा, ताजमहल तीन चार बार गए? हाँ। किस किस के साथ गए थे? पहली बार किसके साथ गए थे? पहली बार नाटक के ट्रिप में गया था, दूसरी बार एक इंडिया टीवी का शो किया था, वोट यात्रा, उसमें गया था। बस अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी के साथ नहीं गए थे, बोलो। उसके बाद फिर हमने ताज की शूटिंग की और ये सबसे बेहतरीन मौका था। देखिए, प्यार की निशानी कहलाती है और आप उसमें ही नहीं गए साथ में। ऐसे इसके बाद प्रोड्यूसरों ने अरेंजमेंट करवाया आपका? हाँ, आपके साथ गर्लफ्रेंड भेजेंगे वहाँ जाने के लिए। प्रवीण, आप कितनी बार गए? मैं दो बार गया हूँ। किसके साथ? एक बार गर्लफ्रेंड के साथ और एक बार इवेंट अटेंड करने गया था। अरे क्या बात, जो कि ताज से ताल्लुक रखते हैं, उनके खानदान के लोग हैं जो ताजमहल से ताल्लुक रखते हैं। आप समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं यार, ये बिल्कुल सही समझा आपने। क्योंकि ताजमहल एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपना अपना मत दिया है कि ये हमने बनवाया था, किसी ने कहा उसने बनवाया था, ये जमीन किसकी है, ये मोहल्ला किसका है, ये कॉलोनी किसकी है। लेकिन आज यहाँ पर मालूम पड़ेगा आपको कि ओरिजिनली ताज कहां पर बना हुआ है और बसा हुआ और किसके सीने में बसा हुआ। चलिए आइए काम करता हूं, वह ताज का ट्रेलर प्रोमो देखते हैं, उसके बाद बात करता हूं। आर यू रेडी? विश्व का अजूबा आ गए सुंदरी, लेकिन जमीन जिस पे बना है ना, वो जमीन क्या है? जमीन हमको बिना बताए मेरे परदाता से सल्टा लिया ना उन्होंने। ओके, तो ऐसा वो जमीन हमको वापस मांग ले क्या? अभी मैं शेतकरी आदमी है, हाँ। किसान आदमी है, मेरे को खाली खेती करना आता है, तो मेरे को उधर खेती करने का है, मेरे पास जमीन नहीं है। अच्छा। तो मेरे को जैसा ये 23 सितंबर को अभी हमारा निकाल लगने वाला है, जैसे अपने हक में आ जाएगा, मैं ताजमहल को हटा देगा और मैं वहाँ पे अपना खेती बाड़ी करेगा। अरे बाप रे, तो इन लोगों ने कौन कौन ताज नहीं देखा? नहीं देखो, देख लो बाबा जल्दी जाके, आप भी आ, नहीं तो 23 सितंबर को उधर से थैंक यू होने वाला है, टूटने वाला है। हाँ जी, पिक्चर में ही देखा है। अच्छा, पिक्चर में ही देखा, तो प्लीज आप चले जाओ, तो कल इनको देंगे आप मौका? मौका बिल्कुल बिल्कुल देगा। मैं जयंती भाई से रिक्वेस्ट करेगा टिकट के लिए। अच्छा, सुनंदा के लिए जोरदार तालियां। ओहो सुनंदा, क्या बात है सुनंदा। आप कौन से गाँव की हो? मैं भी बुद्रुक बेगमपुर की। अच्छा, सेम अच्छा, तो ये जो आपको मालूम था कि इनके पूर्वज की जमीन थी ये जहाँ ताजमहल बना था, मालूम है आपको? नहीं, मेरे को तो लगन के बाद मालूम पड़ा। अच्छा, तो कैसा कैसा रिएक्शन था, कैसा लग रहा था? मेरे को बहुत अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्राउड। प्राउड महसूस किया तुमने? अच्छा, ऐसा उतनी की चाहिए, ताजमहल का चाहिए, ताजमहल का चाहिए, ज्यादा मिलेगा ना इधर। अच्छा, वह बता सुनो कि वहाँ पर ताजमहल की जब हट जाएगा वहाँ पे, तो क्या क्या वहाँ पे पैदा होने वाला है? मैं अपना एक खूबसूरत सा झोपड़ा बनाएगी बाजू में। देखा क्या ऐसा होता है, ताजमहल हटा के झोपड़ा बनाएगा। ओके, और वहाँ पे खेती किसानी होगी? ऐसा होगी। अच्छा, वो क्या है, अभी आप देखेगा तभी आपको पता चलेगा उधर क्या पहला कौन सा खेती होता था और किधर वो हमारा खेती का सामान किधर सप्लाई होता था। हाँ हाँ। वो सब आपको तुकाराम पिक्चर में बताएगा। अच्छा, तो जैसे कि देखा जाए तो भाई तुकाराम पूरी तरह से तैयार है ताजमहल को हटाने के लिए, बंद करने के लिए, तो आप लोग प्लीज जितना जल्दी हो सके ताजमहल देख लीजिए, क्योंकि आपने कोर्ट से अनुमति ले ली बंद करवाने की। बिल्कुल, जब तक ये इसका फैसला नहीं होता है, हाँ हाँ। केस का, तब तक मैंने विनंती किया है ताजमहल बंद रखने। पर इतने सालों बाद कैसे तुम्हारे दिमाग में आया कि यार इसको बंद करना चाहिए, मेरी जमीन है, वो कैसे याद आया? क्या अभी किसान के लिए जमीन उसका माँ होता है। ओके ओके, और किधर उसको जमीन में, ओके बोलो, मैं भी यार, मैं देखा तुम्हारे साथ मैं भी इंग्लिश बोल रहा था। तो किसान के लिए जमीन अभी माँ होता है उधर, किधर उसको खेती करने को नहीं मिलेगा, तो वो फिर ढूंढेगा मैं किधर कर सकता है। ऐसा मैं ढूंढ रहा था तो मेरा एक पिटारा में मेरे को मिल गया पेपर। ओके, तो उसके पेपर आपके पास है? मेरे को पता चला कि वो ताजमहल का जो पूरा जमीन है ना, वो अपना है। तो मैं बोला फिर सही है ना, अभी अपना जमीन है तो उधर जाके खेती करने का अपन, क्योंकि अपने को तो उतना ही आता है, किसान को खाली खेती बाड़ी करना आता है, बरोबर। तो उधर जाके करने का, जमीन मिल गया बस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली होनी चाहिए। वो अभी क्या जमीन पार्लियामेंट का होता है? ये कॉन्सेप्ट एम सलीम जी ने मेरे पास लेके आए थे, जो राइटर है, मैं चाहूंगा कि वो भी आ जाए यहाँ सामने। हाय सलीम भाई। और उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी और बहुत ही यूनिक लगा मुझे, उन्होंने मुझ पर बिलीव किया। और उसके बाद सुरेश जी और मंजरी जी यानी तुकाराम और सुनंदा के पास गया मैं, और उनसे कहा कि भाई ये कहानी है। ये लोग बहुत ही एक्साइटेड हुए और बहुत खुश हुए और मुझे सपोर्ट किया। पर सुरेश संप्रदी क्यों?
क्योंकि ये कहानी महाराष्ट्र से संबंधित था इसलिए श्रेयस के पास जाना हमें उचित लगा और सबसे कम बजट में वही आने वाला था। नहीं नहीं बजट की बात ही नहीं थी क्योंकि बजट तो बात की बात थी, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ओके होना चाहिए था। और श्रेयस जी चूंकि एक्टर तो है ही, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया। आज रुलाएंगे क्या आज तो मैं चाहता हूं कि मैं पवन जी को भी स्टेज पे बुलाऊं। प्लीज कम ऑन द स्टेज पवन जी, प्लीज पवन जी एक बार जोरदार ताली में चाहिए। पवन जी अभिनव वर्मा जी आइए स्टेज पे। पवन जी एक मिनट रुक जाओ। ये दोनों हमारे प्रोड्यूसर हैं और हमारे एक प्रोड्यूसर और हैं जो धवल गाड़ा जी, वो भी आ पाए। धवल ओह क्या बात है धवल। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि हेमंत पांडे जी स्टेज पे आए, ये इस फिल्म में मुख्य किरदार में है। पांडे जी आ गए और अब मैं जयंती भाई जी को बुलाऊंगा। प्लीज कम ऑन द स्टेज जयंतीलाल गढ़ा जी को, प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम ही है जयंती भाई की बहुत सारी फिल्में आती हैं और आपके पास अभी इतनी बड़ी बड़ी लाइनअप है। जयंती भाई माइक्रोफोन इतनी सारी दुखी हैं कि ये फिल्म दिखाने से हिंदू मुसलमान के दंगे फसाद हो जाएंगे। लगता है प्रोमो देखकर तो लगता नहीं है। हाँ लेकिन उन्होंने ये लिखा है और वो लेटर भी है तो हमने बोला सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं ये फिल्म से स्टार्ट करूँ, इसलिए वो आज सबसे पहले रिलीज हो रही है। क्या बात है पांडे जी, बहुत सारी फिल्में की, ऑफिस से लेकर हिंदुस्तान के जितने भी कॉमेडी शो बने होंगे सर्वोपरि आपका नाम है पांडे जी। इस फिल्म में क्या खास बात नजर आई, क्या कहानी ऐसी है जो आपको दिल को छू गई और लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आएगी? पहली बात तो बड़ी इमोशनल सी कहूँगा कि अजीत भाई ने मुझे ये विलन का रोल दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इतने सालों से कॉमेडी कर रहा था और एक्टिंग लगभग एक बार छोड़ भी चुका था, संन्यास भी ले लिया था, बहुत तंग आ गया था कि उसी रोल के लिए बुलाते, अरे इसके लिए तो उनको बुला लो टाइप ना। लेकिन अजीत जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने विश्वास किया और पहले ही दिन हमने 3 पेज का सीन किया था श्रेयस और हमने, 1 टेक, लाइट जा रही थी। उस दिन के बाद से सब लोगों का, पूरी टीम का भरोसा हो गया कि हाँ ये विलन वाला रोल भी कर सकता है। और आज क्यों ऐसा लगता था कि आप विलन नहीं कर सकते हो तो सही नहीं, हम तो हैं लेकिन देते नहीं थे ऐसा रोल। तो आज मेरी 12-13 फिल्में बन के तैयार हैं जिसमें से 5 भी रिलीज हो गई, तो 3-4 में विलन हूँ आने वाली फिल्म। अगली फिल्म में जयंती लाल गढ़ा जी को दिखाया जाए, उन्हीं को ही करेंगे आप सब। आज वो मिल चुके हैं और उनकी वाकई उनका टेस्ट जिस तरह का मदद करी या एक सपोर्ट दिया तो बल बढ़ता है। क्योंकि हम तो कलाकार हैं, मजदूर हैं, हो सकता कल को आपकी फिल्म में भी दिखाई देंगे, कोई पान वाला भी पिक्चर बनाई देगा तो उसमें भी दिखाई देंगे। लेकिन हमें अच्छा लगा कि हमारे साथ काबिल लोग जुड़े, बेहतरीन अभिनेता के रूप में श्रेयस जुड़े, मंजरी, अजीत भाई, सलीम जी, इतना अच्छा लेखन लिखते तो 25 साल से, लेकिन आज परमात्मा की कृपा से 10-10, 12-12 फिल्में अच्छी लिख रहे हैं। तो ये अच्छे लोगों से मिलने का समय आ गया है और इन तमाम अच्छों में जयंती भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पवन जी आपका, आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने एक बेहतरीन फिल्म को सपोर्ट किया। क्योंकि पिक्चर को पहली जितना मैंने से देख लीजिए, सब फिल्म में कमाल कंटेंट होता है। टीवी इंडस्ट्री से आप आए हैं, थिएटर करते हैं आप, इतने सारे फॉर्मेट में काम करने के बाद आज ये वाह ताज कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज बताओ जो इसमें बड़ा यूनिक था, आपको ऐसा लगे कि यार वाकई ये ऐसी फिल्म और बननी चाहिए? आई गेस सबसे पहले तो सब्जेक्ट ही काफ़ी यूनिक था। सो यू नो अजीत जी और सलीम भाई जब मिलने आए थे तो मुझे बाद में पता चला कि वो काफ़ी टाइम से मिलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सेड नहीं आने दो प्लीज़, आधा घंटा मिलते हैं। और उनका ठीक है ठीक है, मैंने कहा एक 1 लाइन सुनाई है तो कभी कभी ऐसा होता है ना, नरेशन करें, अच्छा नरेशन ठीक है, आई पहले 1 लाइन सुन लेते उसके बाद में नरेशन। तो मैंने कहा वैसे ही एक 15 मिनट मिल लेते, एंड 15 मिनट में उन्होंने कहा कि सर छोटी सी कहानी है, एक किसान है जो महाराष्ट्र से उठ के आगरा चला जाता है, ताजमहल के बाहर खड़ा होता है और कहता है ये ताजमहल जिस ज़मीन पे बना है वो ज़मीन हमारी है। और मैंने कहा अच्छा और आगे? वेरी गुड। उन्होंने कहा आगे सर नरेशन होगा। ओह
जो अधिकतर लोग नहीं करते हैं. सो आई थिंक दैट वाज द यूनिक सेलिंग पॉइंट फॉर मी आल्सो कि अगर ऐसा कुछ है तो सामने वाले को भी फट से यू नो क्यूरियोसिटी और क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. एंड दैट्स व्हाट रियली अपील्ड टू मी इन एज फार एज वाताज इज कंसर्न. आई एम सो हैप्पी सो ग्लैड दैट आई एम अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक वाताज जो वाकई में एक कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्में जो होती है विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ऐसी फिल्में. एंड आई रियली वॉन्ट टू थैंक ईच वन present here.